वीडियो शुरू करने से पहले तमाम आने वाले नाजरीनों सामईन से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। तो इसी कहानी के साथ बात करते हैं कॉन्शियसनेस द आउट ऑफ पेन। आइए इसे भी समझते हैं, आप अपने पास मौजूद बॉक्स को कैसे खोलेंगे, आप अपने अंदर छुपा हुआ सोना कैसे हासिल करते हैं। सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आप क्यों परेशान रहते हैं, क्या चीज है जो आपको जीने नहीं दे रही, आपके दर्द की वजह क्या है। आपको अपनी उदासी की वजह तलाश करनी होगी। जरा सोचें, अगर दुनिया में इंसान ना होते तो क्या होता, अगर सिर्फ जानवर और दरख्त पौधे होते तो फिर माजी या मुस्तकबिल क्या होता। क्या वक्त जैसी कोई चीज होती, उकाब क्या ये पूछेगा बताओ वक्त क्या हुआ है, या ओक का दरख्त ये पूछता कि आज कौन सी तारीख है। दरहकीकत पौधों और जानवरों के लिए वक्त या तारीख नाम की कोई चीज नहीं होती। इन्हें माजी या मुस्तकबिल के साथ क्या करना है, इनके लिए आज और अभी ही वक्त है। दरख्त पौधे और जानवर अपने हाल में खुश रहते हैं। जरा तसव्वुर करें कि बगैर किसी पछतावे और परेशानी के जीना कितना शानदार है। ना कोई फिक्र है ना कोई गम, मसला सिर्फ अपने हाल में जीने का है जिसे हम भूल चुके हैं। अपने माजी का बोझ छोड़कर और मुस्तकबिल की फिक्र करते हुए मौजूदा वक्त का मजा लें। लेकिन क्या ये मुमकिन है, हम इंसान हैं, ख्वाहिश करने के बाद भी हम अपने माजी को नहीं भूल सकते। हमारा दिमाग हमें मुस्तकबिल के लिए डराता है, हमारा दिमाग हमें कंट्रोल करता है। हम हमेशा इस कदर उलझनों में घिरे रहते हैं कि हम अपने हाल यानी मौजूदा वक्त की कदर नहीं कर पाते, और यही हमारे दुख की असल वजह है। हम खुद अपनी जिंदगी में उदासी को दावत देते हैं। अब आप कहेंगे कि हाल में कुछ अच्छा नहीं है, सिर्फ दुख है, मसाइल हैं। लेकिन क्या ये वाकई सच है? आप शायद माजी के असर में आकर इस तरह बोल रहे हैं, लेकिन आपको माजी को भूलकर हाल पर तवज्जो देना होगी। इसे आज की तरह कबूल करना होगा। आप अपने आज को बेहतर बनाएं, इसे अपना दोस्त समझें, दुश्मन नहीं। इसे एक बार आजमाएं, फिर देखें कि ये आपकी जिंदगी को कैसे बदलता है। तो इसी बढ़िया सी बात के साथ आगे बात करते हैं, मूविंग डीपली इनटू द नाउ। आइए जानते हैं कि ये हमें कैसे करना है। इससे पहले ये बताइए कि क्या आपने कभी सोचा है कि लोग कार रेसिंग या पहाड़ पर चढ़ने जैसी सरगर्मियाँ क्यों पसंद करते हैं? इसकी वजह ये है कि उन्हें लगता है कि वो प्रेजेंट मूवमेंट में हैं। कितना अजीब है ना? प्रेजेंट मूवमेंट को महसूस करने के लिए लोगों को कुछ खास सरगर्मियाँ करनी पड़ती हैं। यही वजह है कि लोग अक्सर खुश रहने के मौके तलाश करते हैं। एक जीन मास्टर थे, एक बार इन्होंने अपने शागिर्दों से पूछा कि इस वक्त किस चीज की कमी है। तलबा हैरान थे कि इस सवाल का क्या जवाब होगा, सब सुकून से सोच रहे थे। बस यही वो चीज थी जो शोरों गुल में नहीं मिलती, यानी सुकून। किसी को पुरसकून रखने के लिए कितनी आसान वर्जिश है। कहने का मतलब है कि अपने अंदर के सुकून और खूबसूरती को महसूस करने के लिए आपको किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने की जरूरत नहीं है। काम पर जाते हुए या शहर की सैर करते हुए आपने रास्ते में बहुत से दरख्त देखे होंगे। आप शायद ही इन दरख्तों और पौधों को देखेंगे, क्योंकि अक्सर ही हम अपनी परेशानियों में खो जाते हैं। अगर मुमकिन हो तो इन दरख्तों के साए में चंद लम्हे बैठे आराम करें, या अपनी खिड़की के बाहर किसी दरख्त को गौर से देखें। आपको कुछ मुख्तलिफ महसूस होगा। आप देखेंगे कि ये दरख्त कितने रोशन हैं और कितने रंगीन हैं। ये आपके काम की जगह और घर के करीब किसी भी तस्वीर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यकीनन इन लम्हात को सिर्फ कुछ वक्त के लिए ही महसूस करें। दरख्तों की ताज़ा हवा में सांस लें। आप महसूस करेंगे कि आपका दिमाग पुरसकून है। वो तमाम मसाइल जो कुछ अरसा पहले आपके जहन में थे, अब आप सबको थोड़ी देर के लिए बिल्कुल भूल चुके हैं। आपके अंदर सुकून है। जब आप सुबह उठते हैं और सोचते हैं कि काश मैं यहाँ से कहीं दूर होता, तो दरहकीकत आप अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहते हैं। आपके जहन में बहुत सी बातें घूमती हैं। आप इन चीजों के बारे में फिक्रमंद हैं जिनको आपको हासिल करना है, और इस वक्त आपके जहन में एक ही बात होती है कि अगला मौका कब मिलेगा आपको खुश और पुरजोश रहने का। आप अपना पसंदीदा खाना दोबारा कब खाएंगे, आप कुछ सनसनीखेज सरगर्मी कब करेंगे, आपको कोई ऐसा हमसफर कब मिलेगा जो आपकी जिंदगी बदल के रख दे। लेकिन आप बस इंतजार ही करते रह जाते हैं,
और इस मामले में आज की छोटी छोटी खुशियों से लुत्फंदोज होना भूल जाते हैं। आप अपने इर्द गिर्द ना देखते, बस मुस्तकबिल की फिक्र में लगे रहते हैं और यही वो वजह है कि जिससे आप कभी मुतमईन नहीं हो सकते। नाज़रीनो सामईन, किताब के अगले हिस्से को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशंस मौसूल हो सकें। शुक्रिया, मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अब एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।